विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों मैं सतीश पुरोहित टेक्निकल एंड एजुकेशनल स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो जो है उसका फाइनल आ गया है और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या नया आया है तो दोस्तों पहले जो ड्राफ्ट जारी हुआ था वो नीति फाइनल जारी हो गई है फाइनल नीति के अंदर जो सेकेंडरी लेवल तक है वो टेट लागू होगी तो दोस्तों मैं बता दूं आपको पहले टेट जो है वो मिडल तक थी और अब जो टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सेकेंडरी लेवल तक लागू हो जाएगा इसके अलावा शिक्षक है, बनने के लिए अब डेमो और इंटरव्यू भी देने होंगे इसके अलावा चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स लागू होगा तीन साल की उसके अंदर ग्रेजुएशन हो जाएगी और इसके साथ ही एक साल के अंदर बीएड हो जाएगी इसके अलावा अब जो है दोस्तों सबसे बड़ी खबर मैं बीएलओ साथियों को बता दूं कि अब शिक्षकों को बी के काम से छुटकारा मिलेगा कुछ काम जरूर दिया जाएगा निर्वाचन संबंधी मैं आपको वीडियो में पूरा जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लेकिन शिक्षकों को जो है वो बी के काम से मुक्ति दे दी जाएगी और ट्रांसफर के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उस नीति के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होंगे इसके अलावा जो एम है वो भी शिक्षकों को उससे मुक्त किया जाएगा इसके अलावा स्कूलों में जो है वो ब्रेकफास्ट शुरू किया जाएगा तो दोस्तों चलते हैं पूरे वीडियो पर तो दोस्तों मैं आपको पूरा दिखा देता हूं क्या क्या जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो है उसमें लागू होने वाला है दोस्तों मैं आपको पूरी नीति दिखाऊं उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर दें जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है वहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है आप उसको प्रेस कर दें क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ बेल को आपको जो सेटिंग है यहाँ ओल करनी है इसके अलावा आप वीडियो को यहाँ से लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों अच्छा लगे तो आप शेयर पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप जिस किसी पर भी, भी व्हाट्सएप है या मेल टेलीग्राम किसी पर भी आप इसमें से शेयर करना चाहो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो इसके अलावा आपको कोई अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप कमेंट लिख सकते हो वीडियो के सबसे नीचे जाकर आप जो यहाँ कमेंट जो है कमेंट आप देख पा रहे हो एड पब्लिक कमेंट में यहाँ आप अपना जो है कमेंट कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों वीडियो पे चलते हैं तो दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं पहला इस नीति का पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एस एस आर ए यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा और इसका जो अध्यक्ष होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होगा उसके अलावा दो नंबर पॉइंट में बता दूं आपको चार वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स है वो लागू होगा जिसमें बी एड में होगी इसके अलावा दो वर्ष की और एक वर्ष की बी एड कोर्स है वो भी चलेगा इसके अलावा ई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा जो है उसको आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से चलाया जाएगा यानी आंगनबाड़ी जो है पूर्णतः स्कूल से संबंधित हो जाएंगे इसके अलावा टेट जो है वो सेकेंडरी लेवल तक लागू कर दी जाएगी पॉइंट नंबर पाँच में आपको बता दूं शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा दोस्तों अपने को बता दूं मैं शिक्षक जो है उसको गैर शैक्षणिक कार्य यानी पढ़ाई के अलावा जितने भी कार्य जो हैं उन सब से हटाया जाएगा और सिर्फ चुनाव ड्यूटी है उसी में लगाया जाएगा बी ड्यूटी से शिक्षकों को हटाया जाएगा एम से भी शिक्षकों को हटाया जाएगा तो दोस्तों शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये नई शिक्षा नीति जो है उसके तहत जो है शिक्षकों को बी कार्य से और एम एमडीएम जो है उसकी ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा सिर्फ चुनाव ड्यूटी जो है उसमें ही लगाया जाएगा इसके अलावा पॉइंट नंबर छह बता दूं मैं आपको इसके अलावा पॉइंट नंबर छः में है स्कूल में एस और एस जो होती है उसके साथ साथ एस यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका भी गठन किया जाएगा इसके अलावा अगला पॉइंट है शिक्षक नियुक्ति में जो डेमो और इंटरव्यू है उनको शामिल किया जाएगा दोस्तों इतने दिन हम देख रहे थे जो थर्ड ग्रेड है या सेकेंड ग्रेड है उनके अंदर कोई डेमो इंटरव्यू नहीं होता था सीधा जो है कॉम्पिटिशन होता था जो फाइट कर लेते थे उनको सीधी पोस्टिंग दे दी जाती थी लेकिन अब जो है जो भी नियुक्तियां होगी उसके अंदर जो है वो डेमो और भी लागू हो जाएगा पॉलिसी है वो बनाई जाएगी यानी नया आयोग बनाया जाएगा और ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे दोस्तों ट्रांसफर केवल और केवल जो पदोन्नति है उस पर ही डिपेंड करेगा इसके अलावा अगला पॉइंट है ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे जो केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर होंगे इसके अलावा आर टी ई यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो क्लास बारह तक लागू होगी और इसकी एज जो है अब अठारह दोस्तों चौदह से अठारह हो जाएगी उसके बाद है मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूल में शुरू दोस्तों मिड डे मील जो था वो तो बंद नहीं होने वाला है और इसके साथ साथ जो है अब ब्रेकफास्ट भी शुरू हो जाएगा थ्री लैंग्वेज बेस्ट स्कूल शिक्षा होगी दोस्तों जैसे दो लैंग्वेज तो चलती चलती है इसके अलावा एक लैंग्वेज और यानी तीसरी जो लैंग्वेज होगी मातृभाषा और वो भी इसमें शुरू हो जाए इसके अलावा अगला पॉइंट जो है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूल में शुरू होंगे विदेशी भाषा के जो कोर्सेज हैं वो भी स्कूलों में शुरू हो जाएंगे विज्ञान और गणित को है बढ़ावा दिया जाएगा और हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर विज्ञान और गणित विषय है वो अनिवार्य होगा इसके अलावा स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी मैंने बताया आपको थ्री लैंग्वेज इसके अलावा एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी दोस्तों एनसीईआरटी है वो पूरे देश के अंदर एक ही नोडल एजेंसी है वो पूरे देश में बन जाएगी स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग खत्म हो जाएगा इसके अलावा स्टेट स्कूल रेगुलरिटी अथॉरिटी जो एस एस आर ए अपना पहला पॉइंट था वो बनेगा और इसका मुख्य जो है शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही होंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस प्रकार के वीडियो में अपने चैनल पर लाता रहता हूं साथ ही बेल आइकन को ताकि आगामी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यदि कोई समस्या हो तो कमेंट के रूप में लिख भेजना जय हिंद जय भारत